हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है। आई होप फ्रेंड्स यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक और बेहतरीन टॉपिक के विषय में, जो कि आपका होगा एड्स। आज हम बात करेंगे कि आखिर एड्स है क्या, कैसे फैलता है, और इसको एड्स को कॉज करने वाले वो कौन से वायरस हैं। यानी हम आज बहुत ही अच्छे लेवल पर समझने वाले हैं विद द डायग्राम यहाँ एड्स होता क्या है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आप देख पाते हैं। ये पर्टिकुलर क्या होता है कि एक नॉन कन्वेंशनल डिजीज होता है, जो कि आपको जन्मजात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप एक्वायर्ड करते हैं, जिसमें लगभग लगभग 25 मिलियन से ओवर इसमें लोगों की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। ये रिकॉर्ड आपको बताया गया है, जिसमें सबसे पहले मतलब इसका जो रिपोर्ट किया गया सन 1981 में किया गया, जो कि होमोसेक्सुअलिटी के केसेस में देखा गया था ये। और आपको पता होगा कि ये जो किस के द्वारा होता है, तो ये HIV के द्वारा होता है, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है, आप देख सकते हैं इस वायरस के द्वारा ये रोग शुरू होता है, जो कि एक ग्रुप होता है वायरस का जिसका नाम है रेट्रोवायरस। उसी वायरस के समूह के द्वारा ये होता है, जिसमें RNA जीनोम पाया जाता है और यह एक इनवेलप के द्वारा घिरा रहता है। अब हम बात अगर करें कि आखिर ये फैलता कैसे है, तो आप जानते हैं कि अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर के माध्यम से होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड के द्वारा भी हो सकता है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा भी, उसके जो बॉर्न बेबी होंगे उसमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी जो हम लोग चीज़ों को बरतते नहीं हैं, यानी उस चीज़ को हम ज़्यादा कह सकते हैं कि केयर नहीं करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर नीडल का यूज़ किया गया, अगर हम उसको पर्टिकुलर यूज़ कर लेते हैं तो भी हो सकता है। ऐसे तमाम प्रकार के जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। हम इसका रोकथाम तो अभी तक कोई हम कह सकते हैं परमानेंटली कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति प्रोलॉन्ग टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन फाइनली इस वायरस को खत्म करने का भी कोई तरीका नहीं, बिकॉज हमारी एंटीबॉडी जो शरीर के अंदर है, जब यह आता है एंटीजन्स के रूप में, तो ये क्या होता है, हर बार अपने सेप साइज को चेंज कर देता है, और चेंज करने की वजह से हमारी एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाती है, जिस वजह से अभी तक इसके लिए किसी प्रकार के वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, और यह अभी भी एक घातक रूप इसका हमेशा चलता रहता है, और यह लगातार ये आगे एनहांस होता रहता है ऐसे इन्फेक्टेड पीपल से। किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई टच मत करना या फिजिकली ना होना, इस वजह से डिजीज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जो बॉडी फ्लूड होता है, सिर्फ उसके ट्रांसफ्यूजन से ये डिजीज आगे क्या होता है, बढ़ता है। यानी अगर कोई पूछता कि कैसे आगे ग्रोथ करेगा, ड्यू टू द जो ब्लड होगा, सॉरी जो भी इसके अंदर बॉडी फ्लूड होंगे उसके द्वारा से ये मूव करेगा, चाहे ब्लड हो चाहे सलाइबा हो, इन तमाम चीजों से ये डिजीज आगे बढ़ने की तैयारी में लग जाता है। क्लियर है बात। तो आइए इन्हीं सारे टॉपिक्स को देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, और इस टॉपिक को बहुत ही कह सकते हैं कि कम समय में और बेहतरीन कंटेंट के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको जीवन में भी काफी अवेयरनेस देगा और साथ ही साथ नॉलेज तो आपको देगा ही देगा, राइट। चलिए नोट्स अपने निकाल लीजिए और चीजों को समझते चलेंगे। आइए बात करते हैं इसमें हम लोग एड्स। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं इसको कि इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है ना, सिंड्रोम। अब अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर करना है, तो आप चाहिए तो इन्हीं सब बातों से और भी और बेहतर समझ सकते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्या है भैया, तो बताइएगा कि एक्वायर्ड मतलब होता है ये गेंड किया जाता है, गेंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी अपने जीवन काल में ही चीजों को आप पाते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये क्या नहीं होता है, नॉन कॉन्जेनिटल डिजीज, ये समझ में आया, यानी जन्मजात ये नहीं है, आप इसको पाते हैं। फिर देखेंगे यहां पर है इम्यूनो, इसको समझिए। देखिए ये कहता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें इसको मिलाकर बताइए। देखो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये
वीक करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया बातें। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम कह सकते हैं। यानी इसमें हम क्या बता सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या मामला समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आप चाहिए तो सिर्फ इसके एब्रिवेशन फॉर्म से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, इसके फुल फॉर्म को देखा, सारी की सारी बातें इसमें लिखी हैं कि ऐसा कोई भी डिजीज होगा, ऐसा कोई रोग होगा जो हमारे आपके जीवन काल में हमको मिल जाता है और वह हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है और हमारे बॉडी में तमाम ऐसे सिम्टम का हमें क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, ताकि हमारे शरीर में एक फिनोटाइप क्रिएट कर देता है। अलग अलग रोगों का लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई पड़ने लगता है। तो ये उसके हेडिंग से कंफर्म हो गया, राइट। चलिए, पहली बात तो ये हो गया। आगे हम देखेंगे, ये नॉन कंजेंशियल डिजीज हो गया, तो पहला तो हम यहीं से कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम समझे यहाँ पर, तो नॉन कंजेंशियल डिजीज हो जाएगा। फिर आगे इसमें बता दीजिए भैया, ये क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, तो लिख लेंगे कॉज्ड बाय, इसके द्वारा होता बाबू एच आई वी, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ आया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये हमारी बॉडी में क्या होता है, फैलने का काम करता है। क्योंकि ये जो ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम आप देख पाते हैं एचआईवी, ये जो है एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, ए ग्रुप ऑफ वायरस होता है, वहीं से बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या होता है भैया, तो इसी का नाम होता है रेट्रोवायरस। क्या नाम है? रेट्रोवायरस। क्योंकि इसके रेट्रोवायरस के अंदर होता क्या है तो बता देंगे, आरएनए जीनोम होता है, आरएनए जीनोम, ठीक है, आरएनए जीनोम होता है, जो कि क्या होता है, इनवेलप के द्वारा कवर रहता है। विच आर इनवेलप, इनवेलप समझते हैं, यानी कि एक लिफाफे के अंदर एक पैक होता है, ठीक है, अर्थात ऐसे आएगा, इसी के अंदर ऐसे पैक रहेगा, देखो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के सब वायरस में अटैक करते हैं, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, वो तो आगे आगे तो बता देंगे, आगे इसमें समझेंगे। देखो, इसमें फिर बता देंगे कि आखिर ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे बाबू। देखो, यहाँ पर आप बता देंगे कैसे ये फैलता है लोगों के पास, कैसे आगे इंक्रीज करेगा अपनी संख्या को, कैसे रेप्लिकेट करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें, इसके फैलने का रीजन क्या होता है भैया, तो बता देंगे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, और कैसा, इसके साथ इन्फेक्टेड पर्सन, कोई रोगी है उसके साथ आपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर लिया, जिस वजह से ये हो सकता है। सेकंड इसमें आप बता सकते हैं, ये तो पहला हो सकता है इसके अंतर्गत। दूसरा आप समझा सकते हैं इसमें कि ट्रांसफ्यूजन होगा किसका, ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड ब्लड, अगर बॉडी में शुद्ध खून है और उसको आप कंटामिनेट करके ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो भी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा अगर आप यहां से बताएंगे तो बता सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड मदर होती है, इस इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में होने के चांसेस हैं, किसके माध्यम से, तो बता देंगे थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा, समझ, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जन्म लिया उसको कैसे भाई एड्स हो सकता है, तो माँ के द्वारा हो सकता है ना, माँ इन्फेक्टेड नहीं होगी, प्लेसेंटा के माध्यम से जब ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा ब्लड का, उसी माध्यम से हो सकता है, क्लियर है। एक चौथा पॉइंट और बता सकते हैं, एक हो सकता है जब किसी भी लोगों में जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो हो सकता है, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट यहाँ बता देंगे, पांचवा बता दीजिए कि सबसे पहली मरतबा इसको रिपोर्ट किया गया था, फर्स्ट रिपोर्टेड एड्स को सबसे पहली मरतबा रिपोर्ट किया गया था, अभी मैंने आपसे बताया था,
1981 में, किसमें, इन होमो सेक्स। समझ आई थी बात, क्लियर यहां था भैया? तो चलिए इतनी बातें आपने अभी एक बेसिक बातें समझ रखी होंगी। चलिए इसका सिंपल सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए भैया इसमें देख सकते हैं आप कि मैंने एक एचआईवी का फिगर भी बना दिया है। देखिए एड्स तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एचआईवी का भी मैंने फिगर ड्रा कर दिया। ये कैसे रेप्लिकेट करेंगे वो तो आगे की बात है, उसको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ समझना कि जो एचआईवी वायरस है, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस है, इसका काम क्या होता है, देखिए किस प्रकार से बना है। यानी इसके बाहर देखेंगे ये पूरी दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली है और एक अंदर वाली, दोनों मिलकर के क्या बनाती है, लिपिड का लेयर बना के रख देते हैं। ठीक है, लिपिड की बाई लेयर, बाई माने दो, लेयर माने चारों तरफ की परत। फिर देखेंगे उसी लिपिड परत पर एक देखेंगे जो है हैमर, यानी कि हथौड़े की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस हथौड़े का नाम क्या भैया, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन नाम होता है। यहीं पर आप देखेंगे कि बीच में एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेस एंजाइम का नाम होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेस एंजाइम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे दो बड़े स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसको होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहा जाता है। दो है, दो का नाम लिख दिया मैंने। फिर देखेंगे ये दो छोटे छोटे, ये देखो दो, एक है एक है। ठीक है, दोनों का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कितने हैं, दो है, ये भी आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर फाइनली देखेंगे ये अंदर की तरफ पोअर पार्टिकल्स की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा इनसाइड होता है, एक प्रोटीन की कैप्सिड है ये। तो ये इनसाइड है जिसमें फास्फोरस 24 P24 है, ये बाहर वाली जो आउटसाइड है जिसमें P17 है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन कैप्सिड बनाते हैं, अर्थात प्रोटीन की एक लेयर बना के तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये बाइंड करता है किसके साथ, CD4 के साथ, यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नाम है इसका फुल फॉर्म। ये कहाँ पर जोड़ते हैं, बाइंड करता है ऑन द TH, यानी ये क्या, हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज, यानी वही मैक्रोफेज है जो कि अभी देखेंगे आप कि HIV के लिए एजेंसी यानी फैक्ट्री का काम कर रहा है ये। तो ये मैक्रोफेज होता है, ये दोनों इंसर्ट होते हैं कहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये नोट्स के रूप में है। अब मैंने इतनी बातें तो आपको बता दी कि कैसे ये ट्रांसलेशन मतलब फैलता कैसा है। इसी में अगर मैं एक दो पॉइंट और समझाने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति ड्रग्स एडिक्ट है और वह भी कुछ ना कुछ इंजेक्शन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। देखिए यानी यहाँ पर हम एक पॉइंट और समझा सकते हैं कि जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होता है, और इस पर्सन की क्वालिटी में क्या होगा, ये पांचवा पॉइंट बना लो इसको, ड्रग एडिक्टेड पर्सन होता है जो कि क्या करता है, ये इंट्रावेनसल यानी इंटरवेनसल में क्या लेता है, ये इस प्रकार से आप इसमें कहेंगे कि जो इंट्रावेनसली नीडेड रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, फाइनली देखेंगे जब यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड होगा इससे चाइल्ड जो बॉर्न करेगा वो भी मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड यानी HIV इसमें हो भी सकता है। पर देख सकते हैं जब HIV नॉट सेपरेटेड स्प्रेड, HIV फैल नहीं सकता है किसके द्वारा, बाय टच या फिजिकल। ठीक है, बट मे बी सेपरेटेड या मे बी स्प्रेड फैल सकता है कैसे, बॉडी फ्लू यानी बॉडी के कोई भी तरल पदार्थ अगर टच हुआ तो जाहिर सी बात है कि HIV का ट्रांसफ्यूजन होना निश्चित है। सिम्टम आप देखेंगे कुछ मंथ में हो सकता है, कुछ महीने में हो सकता है, कुछ साल में हो सकता है, साल में लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं इसके लक्षण को शो होने में। ठीक, आफ्टर गेटिंग द ह्यूमन बॉडी, जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में आता है यानी कि जब गेटिंग करता है ह्यूमन बॉडी में, देन द वायरस इंटर कर जाता है कहाँ पर, मैक्रोफेज के पास, क्योंकि मैक्रोफेज इज अ पार्ट ऑफ द WBC, व्हाइट ब्लड सेल भी है उसी का एक हिस्सा है, जो फैगोसाइटोसिस के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे क्या करता है, वेयर द RNA जीनोम रेप्लिकेट, और यही मैक्रोफेज में ही RNA जीनोम क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करता है फ्रॉम वायरल DNA। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम वायरल DNA हेल्पर रेट्रोवायर, यानी किस एंजाइम की मदद से ये काम कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नीड होता है, वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट में बताया कि वायलर डे में क्या करता है, यही वायलर डे में ये कार्पोरेट करता है। अब ये वायलर डे में जाएगा उस होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, यानी देखो कार्पोरेट करेगा। एंड माइक्रोफेज एक प्रकार से फैक्ट्री ऑफ एचआईवी ग्रुप में जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था, अभी भी देखिएगा। नाउ एचआईवी इंटर करेगा कहाँ पर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट होते हैं यानी हेल्पर वाला जो होता है टी लिम्फोसाइट, उसके पास क्या करता है, देखिए यहाँ पर इंटर कर जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी एच लिखते हैं, ठीक है ना, टी फॉर देखिए हेल्पर लिम्फोसाइट, देखिए आगे देखेंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट, फिर देखेंगे यहीं पर रेप्लिकेटर है, बहुत सारे वायरस की प्रोजेनी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी, फाइनली ये चले जाएगा ब्लड के पास, यानी ब्लड की जो धारा होगी, ब्लड की जो स्ट्रीम होगी वहाँ पर ये क्या करेंगे चले जाएंगे। टील द अदर टी लिम्फोसाइट, जब ब्लड में जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे और भी मान टी लिम्फोसाइट हैं, इसको ये लोग मारने की कोशिश करेंगे, और फाइनली आप देखेंगे जो हमारी बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसकी संख्या में गिरावट आ जाएगी, यानी देखो नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज दिखाते हैं, कमी ये कम होता है। आप जानते हैं कि बॉडी में अगर टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या कम हो गई, अब हमें कौन बचाएगा, यही बचा रहा था, इसकी संख्या लोगों ने मिलकर मार दिया, अब जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होना शुरू हो जाएंगे, यानी बॉडी ह्यूमन की सफर करेगी, वही मैंने लिखा है। सो ह्यूमन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया, फिर देखेंगे यही तरह से वेट लॉस होगा। इस प्रकार से इसके डायग्नोस करने के लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है एलाइजा, यानी फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे के रूप में जाना जाता है। सो दिस इज द यूज्ड फॉर द डिटेक्ट ऑफ द एचआईवी, तो इसको जानने के लिए टेक्निक्स राइट। चलिए इसका इसमें सार ले लीजिए, फिर एक लास्ट स्लाइड हम देखेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। इसमें देखेंगे मैंने एक फिगर टाइप आपको तैयारी बनाने की कोशिश की है, देखो इसे रेट्रो वायरस है, आपको पता है अगर रेट्रो वायरस क्या करता है, अपने वायरल आरएनएस कोड को क्या करेगा, जो कि इससे बाहर की जो वायरल प्रोटीन कोड थी, मैंने ग्लाइकोप्रोटीन वाला बताया था, ये लाएगा इन्फेक्ट करेगा एक नॉर्मल सेल को, मान लो ये आ गया, ये पूरी की पूरी नॉर्मल एनिमल सेल है जिसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सब साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, ये वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने एक नॉर्मल सेल में आया, एनिमल सेल में आया, देखिए इसने अपने इस पूरे जीनों को छोड़ दिया, यहाँ पर जीनों जो है वायरल का आरएनए क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन चेन, ठीक है, इसके द्वारा आएगा और वायरल का आरएनए ज्वाइन करेगा या इनकॉर्पोरेटेड होगा किसके साथ, होस्ट जीनों के साथ, ठीक है, जुड़ेगा, फिर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये वायरल डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, पूरा का पूरा ये आप देखेंगे न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, और ये लोग क्या करेंगे, एक न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा यहाँ से इन्फेक्टेड बाई द इन्फेक्टेड सेल। अब जो सेल इन्फेक्टेड हो गया है उसके द्वारा आप देखेंगे कि न्यू वायरल जो है यहाँ पर क्या होगा, एक आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा, और फाइनली आप देख पा रहे हैं कितने ये देखिए शुरू हो गया बनना, और फाइनली इस न्यू वायरस के द्वारा आप देखेंगे बहुत सारे वायरस का फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोटीन तैयार हो जाएगी, एंड फाइनली यही प्रोटीन जा करके किसी और हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका, जो कि मैंने इससे पहले बताया, ये उसी क्रम में आप समझ सकते हैं और अच्छे से इसकी पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर दो चार नोट्स मैंने लिख दिया, इसको भी देख लीजिए, जैसे होता है कि जब जैसे मैंने बताया ना एलाइजा, तो उसका आप चेक कर सकते हैं, पीसीआर भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में यूज किया जा सकता है। अब इसको हम कैसे रोकें, इसके लिए अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं इन्होंने कुछ हल किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें एनजीओज होते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो समाज के हित में कुछ कार्य करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है और NACO है जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉट नंबर में लोगों को एजुकेट करते हैं ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके, एड्स के विषय में वो जानकारी रख सकें, ठीक है, ताकि वो समय समय पर चेकअप भी कराते रहें। इसी क्रम में जो WHO है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोग्राम्स टू इन्फॉर्म अ पर्सन अबाउट द एड्स, जैसे कि इन्होंने मैपिंग द ब्लड से, इन्होंने कहा कि हम ऐसा ब्लड का प्रिपेयर करवाएंगे ब्लड बैंक के रूप में जिसमें HIV से मुक्त होगा, ठीक है, तो पहला काम किया। दूसरा काम किया, डिस्पोजल नीडल एंड सिरिंज का यूज करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि एक बार यूज करिए सिरिंज का या नीडल का, उसके बाद थ्रो कर दीजिए,
वन टाइम यूज एंड थ्रो, ये उन्होंने ऐसा अवसर ही किया भाई, डिस्पोजल ना किया जाए तो अभी कोई यूज कर ले सिरिंज दोबारा इन्फेक्ट व्यक्ति का, तो अगले में भी तो डिजीज होने के चांसेस है ना, तो इसी बेस पर रोक लगाया गया। आई एम फाइनली एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स के बारे में बताया गया और आई एम बताया गया कि रेगुलर आप चेकअप कराते रहिए, ठीक। एंड लास्ट में देखेंगे कंट्रोल द ड्रग्स एंड यूज, वो लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स का यूज करते हैं, सेवन करते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने की बात कही गई है। एंड फाइनली इसमें कंडोम्स वगैरह का भी प्रोडक्शन का यूज किया जा सकता है, जिससे ये रोग हम लोग क्या कर सकें, बचा सकें और सेफ हो सकें, खुद भी स्वस्थ रहे, समाज भी स्वस्थ रहेगा और देश भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक जो हमारा था हेल्थ वाला, यानी इस टॉपिक्स में हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों ने आज एक टॉपिक देख लिया जिसका नाम है एड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। साथियों बीच में थोड़ा बहुत खेद है कि हम इसको माइक से नहीं कैरी ऑन कर पाए क्योंकि माइक में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, टूट भी गया है, और कोई बात नहीं है, हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया है। बाकी इसमें दो लेक्चर और बचे हुए हैं, हम लोग इसको देखेंगे फिर इस चैप्टर्स को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों इसको देखिएगा और लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे वो लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये मिलते हैं लेक्चर के साथ, धन्यवाद। इसके सॉल्व